गोड्डा लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति क्या है वो मुझे 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 लगता है कि बाकी लोगों से थोड़ा बेहतर तो हम समझते हैं, लेकिन गोड्डा लोकसभा के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो काम 3 बार के सांसद को करना चाहिए था वो कितना हम लोग ज़मीन पर देख करके आए हैं। ये गोड्डा लोकसभा की जनता तय करेगी कि वो किसको वोट करना चाहती है, 3 बार के एक ऐसे सांसद को जो बहुत बुनियादी बातें, मुझे पिछले दिनों NHAI को लेकर के कीचड़ में बैठना पड़ा, ये वो मेरा काम नहीं था, वह काम 8 महीने से ज़्यादा विलंब हुआ था। कल 300 बेड अस्पताल का MOU हुआ है, यह 11 वर्ष से लंबित काम था जिसमें केंद्र और राज्य के सामंजस्य से होना चाहिए था। तो ऐसी तमाम बातें हैं, और कांग्रेस का अपना विवाद से ज़्यादा बड़ा हम लोगों के लिए देशहित है। बेरोजगारी, महंगाई और इन तमाम बातों की लड़ाई में आपको हम लोग सभी कोई एक साथ दिखेंगे और दिख ही रहे हैं। कांग्रेस के बारे में यह मैं देखती हूँ कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ सिर्फ ये गोड्डा की बात नहीं है, अन्य जिले में, अन्य राज्यों में भी ये बात लाई जाती है ताकि फ्रैगमेंटेड दिखाया जाए और उसका फायदा उठाया जाए। कांग्रेस ही नहीं, महागठबंधन के सारे साथी एक मंच पर आपको कई जगहों पर दिखेंगे और वो अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे आरोप जो फूट और ये सब की बात है वो निराधार। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी तमाम बात सरकार को, सरकार के काम को लेकर के सवाल हो सकता है, लेकिन लोकसभा की बात और खास करके व्यक्तिगत दावेदारी की बात, लोकसभा चुनाव हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन व्यक्तिगत दावेदारी और ये सब पार्टी के लिए के भी निर्णय करने की बात है। हम लोग आज विधायक हैं और विधायक होने के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करा पाते हैं, उस पर हम लोग का फोकस है, अभी हम लोग उस पर ध्यान है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।